वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में बात की थी आर्की बैक्टीरिया की। इस वीडियो में हम बात करेंगे यू बैक्टीरिया की। बहुत छोटा सा वीडियो है, यू बैक्टीरिया के लिए इंट्रोडक्टरी वीडियो है। ज्यादा डिटेल्स हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस हो चुके हैं कंप्लीट मोनेरा के, और हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। तो जो चीजें नहीं वहां कवर हुई सिर्फ वही चीजें यहाँ पर डिस्कस हो रही है। यू बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास ग्रुप कौन कौन से आता है? साइनो बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये तो दो सबको पता है, लेकिन एक एक्टिनोमाइसिट्स एंड रिकेट्सियाई ग्रुप भी आता है। इसके अलावा और भी ग्रुप होते हैं जैसे क्लेमाइडियाई, स्पाइरोकिट्स, लेकिन आपको नीट में इसके बारे में कोई पूछेगा नहीं। एक्टिनोमाइसिट्स फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं, और रिकेट्सियाई जो होते हैं दैट दे आर स्मॉल पैरासिटिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो हमारे पास साइनो बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसिट्स एंड रिकेट्सिया, ये चार ग्रुप मेन है। इसके अलावा और भी है तो मैं यहाँ एटसेट्रा लगा देती हूँ, वरना आपको लगेगा सिर्फ यही चार ग्रुप होता है। एक्टिनोमाइसिट्स के बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि दे आर फिलामेंटस बैक्टीरिया। रिकेट्सिया के बारे में इतना ही पढ़ना है, स्मॉल पैरासिटिक बैक्टीरिया। मैं दो एक्टिनोमाइसिट्स के एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, स्ट्रेप्टोमाइसिस एंड फ्रैंकिया, बस उतना ही करना है। बैक्टीरिया मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में भी इसके बारे में बात की थी। मोटाइल होंगे तो फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, मोटाइल नहीं होंगे, नॉन मोटाइल होंगे तो फ्लैजिला एब्सेंट होगा। तो प्लस माइनस, प्लस मतलब प्रेजेंट, माइनस मतलब एब्सेंट। अगर फ्लैजिला नहीं है तो उसको बोलते हैं ए ट्राइकस। अगर फ्लैजिला है और एक सिंगल फ्लैजिला है तो बोलते हैं मोनोट्राइकस। दो फ्लैजिला है तो एम्फीट्राइकस। पूरे सरफेस के ऊपर फ्लैजिला ही फ्लैजिला है, पूरी पेरीफेरी पर फ्लैजिला ही फ्लैजिला है, ऐसा है तो उसको बोलते हैं पेरीट्राइकस। तो अगर आपको कभी ये वर्ड्स आ जाएं तो कंफ्यूज मत होना, दे आर टॉकिंग अबाउट फ्लैजिला और फ्लैजिलम। और ये जो फ्लैजेला होता है ये इकोलाई के अंदर मिलता है। पेरिट्राइकस किसके अंदर मिलता है? इकोलाई में। ये मैच द फॉलोइंग में एक बार पूछा गया है। तो पेरिट्राइकस का मतलब है पूरी पेरिफेरी पर फ्लैजेला होना। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला हमने ऑलरेडी भी पढ़ी हुई है। बेसल बॉडी होती है, रॉड शेप, हुक होता है, देन फिलामेंट होता है। फिलामेंट फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता है, एंड फ्लैजेलिन प्रोटीन कैसे प्रोटीन होता है? कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होता है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है जब हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ी थी। मैंने आपको बताया था कि बेसल बॉडी के सराउंडिंग्स में रिंग होती है। कुछ केसेस में दो रिंग देखने को मिलती है, कुछ केसेस में चार रिंग देखने को मिलती है। तो एक बार वो रिंग का डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे हमारे पास आउटर ऑनवलप अगर बैक्टीरिया का देखे तो एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं लीपोपॉलीसेकेराइड लेयर, एलपीएस भी बोलते हैं उसे। ठीक है, दूसरा होता है सेल वॉल। ठीक है, दोनों सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस अवेलेबल रहता है जिसे कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। अगर याद हो तो कहा था कि बैक्टीरिया में लाइजोसोम का काम पेरीप्लाज्मिक स्पेस ही करते हैं, एंड उसके बाद नीचे होते हैं सेल मेम्ब्रेन और उसके नीचे होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये रॉड शेप जो स्ट्रक्चर है ना, ये पूरी रॉड शेप स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं बेसल बॉडी एंड इट इज सराउंडेड बाय रिंग्स। तो हमारे पास चार रिंग होती है, मैं कहूँ दो रिंग के पैर होते, एक आउटर रिंग पेयर बोलते हैं और एक इनर रिंग पेयर बोलते हैं। आउटर रिंग पेयर के अंदर एल रिंग और पी रिंग आती है, इनर रिंग पेयर के अंदर एस रिंग और एम रिंग आते हैं। तो कई बच्चे कहते हैं मैम इसका नाम एलपीएसएम ही क्यों रखा, एबीसीडी क्यों नहीं रखा, एक्स वाई जेड क्यों नहीं रखा? एल स्टैंड फॉर लीपोपॉलीसेकेराइड, एल स्टैंड फॉर लीपोपॉलीसेकेराइड। ये मैंने कहीं लिख नहीं रखा, तो स्क्रीन शॉट लेने वाले बच्चे प्लीज लिख लेना अपने नोट्स में। पी स्टैंड फॉर पेप्टिडोग्लाइकन, सेल वॉल किसकी बनी होती है? बैक्टीरिया की, पेप्टिडोग्लाइकन। एस स्टैंड्स फॉर सुपर मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं इसे, या फिर पेरिप्लाज्मिक स्पेस का जो एस है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस का जो एस है वो है ये। एम स्टैंड्स फॉर मेम्ब्रेन। तो लीपोपॉलीसेकेराइड रिंग, पेप्टिडोग्लाइकन रिंग, सुपर मेम्ब्रेन और स्पेस रिंग, और एम फॉर मेम्ब्रेन रिंग। तो एक आउटर रिंग पेयर हो गया और एक इनर रिंग पेयर हो गया। हमारे पास दो चीजें हो गई, आउटर रिंग पेयर एल और पी रिंग वाला हो गया, इनर रिंग पेयर एस और एम रिंग वाला हो गया। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसमें तो एलपीएस मौजूद होता है, तो उसके अंदर तो चारों रिंग्स मिलेंगी। आउटर रिंग पेयर में एल और पी एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड रहती है, और एस एंड एम एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि चारों एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है, नहीं, एल और पी एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती है और एस और एम एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है। ये सबको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में तो आउटर मेम्ब्रेन होती है, तो उसमें एल और पी और एस एन एम दोनों ही पेयर्स मिलेंगे, मतलब चारों रिंग्स मिलेंगे। लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती, एज अ रिजल्ट एल रिंग नहीं मिलेगी और एल रिंग का पूरा पेयर ही नहीं मिलेगा, क्योंकि एल और पी एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होती है। तो जब एल गई तो अपने साथ किसको ले गई? पी को भी ले गई, ऐसे करके याद रखना। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया
इसमें लिखा है कि पॉजिटिव में आउटर मेम्ब्रेन ग्राम पॉजिटिव, थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ लिखा हुआ है, ग्राम पॉजिटिव की जगह इधर लिखना है हमें ग्राम नेगेटिव, ठीक है मैं करेक्शन कर देती हूँ, लिखते वक्त गड़बड़ कर दिया गया है, यहाँ आएगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, उनके पास आउटर मेम्ब्रेन होती है इसलिए उनमें चार रिंग्स होती हैं, जबकि ये क्या है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती, सो दे वोंट हैव आउटर रिंग पेयर LNP रिंग, ओनली SNM रिंग्स विल बी अवेलेबल, तो ये पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया, ये हम ऑलरेडी HC ग्राम स्टेनिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, अब हम पढ़ेंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का डिफरेंस, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं याद करने कोई पूछेगा नहीं, लेकिन एनालिटिकल क्वेश्चन क्रैक करने में मदद मिलती है। तो सबसे पहले हमने जब स्टेनिंग देखी थी तो ग्राम पॉजिटिव पर्पल कलर के होते हैं और ग्राम नेगेटिव पिंक कलर के होते हैं, सैफ्रनिन लेते हैं राइट। LPS लेयर ग्राम पॉजिटिव में नहीं होती, ग्राम नेगेटिव में LPS लेयर है मतलब आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव के सेल वॉल जो होता है 20 to 80 नैनोमीटर थिक होता है, जबकि इसका जो सेल वॉल है वो 8 to 12 नैनोमीटर थिक होता है। जब मैंने स्टेनिंग बताई थी तो मैंने बताया था ना कि पॉजिटिव की काफी थिक पेप्टिडोग्लाइकेन होती है और नेगेटिव की काफी थिन पेप्टिडोग्लाइकेन होती है। पॉजिटिव के अंदर SNM रिंग पेयर मिलता है जबकि इसमें दोनों रिंग पेयर मिलता है, ये पॉइंट तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये पॉइंट नया होगा, ग्राम पॉजिटिव के अंदर ही मीजोसोम मिलता है, ठीक है। तो प्रोमिनेंट किस में होता है, पॉजिटिव में प्रोमिनेंट होता है, ऐसे याद रख लेना, लेकिन दूसरे में बहुत ही लेस केसेस में मिलते हैं तो लेस प्रोमिनेंट लिख दिया मैंने, ठीक है। एकदम मैं कहूँ कि सारे के सारे ग्राम नेगेटिव में मीजोसोम्स नहीं होंगे, गलत हो जाएगा, कुछ में मिलते हैं, तो मोर प्रोमिनेंट इन पॉजिटिव, लेस प्रोमिनेंट इन नेगेटिव, ठीक है। प्रोमिनेंट पॉजिटिव को रिलेट करके याद रख लेना, क्योंकि LPS प्रेजेंट किसके पास है, ग्राम नेगेटिव के पास, सो दे आर पैथोजेनिक बैक्टीरिया, तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ LPS मोर पैथोजेनिक बैक्टीरिया आपको ग्राम नेगेटिव में मिलेंगे और ग्राम पॉजिटिव में आपको लेस या वेरी फ्यू पैथोजेनिक बैक्टीरिया मिलेंगे। तो ये हमारा ओवरऑल यू बैक्टीरिया का डिस्कशन हो गया है, अब हमें क्लास वाइज पढ़ना है, दो चीजें पढ़नी है, साइनो बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। आई टोल्ड यू कि बहुत छोटू सा वीडियो बनेगा, बहुत छोटू सा ही वीडियो बना है, नेक्स्ट वीडियो में हम साइनो बैक्टीरिया डिस्कस करेंगे, टिल देन अपने नोट्स अच्छे से अपडेट कर लो, रिवाइज कर लो, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ आपको, बाय बाय, टेक केयर बच्चों, पढ़ते रहना है।